धीरे अब वो रैली को संबोधित करने जा रहे हैं। स्वागत है भाई, स्वागत है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, शिवपुर और आसपास की जनता की, मेरे बहनों और भाइयों की और भांजे और भांजियों की। मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय हिम्मत जी, हाँ इधर हट जाओ भैया, इधर बैठ के कर लो। चेतन जी, हमारे लोकप्रिय विधायक मथुरा लाल जी, दिलीप जी, तेज बहादुर जी, आदरणीय ईश्वरलाल जी, राजेंद्र सिंह जी नगरा, राजेंद्र सिंह जी लुनेरा, जुझार सिंह जी, भानु प्रताप सिंह जी, इस लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की यशस्वी प्रत्याशी बहन सुश्री निर्मला भूरिया जी, मंच पर विराजमान और नीचे बैठे हुए हमारे सभी वरिष्ठ साथी नेता पदाधिकारीगण, हमारे पूर्व विधायक भी तो बैठे हैं। धूल जी चौधरी, नाम ही नहीं रखा यार, ये कोई बात होती है क्या? कौन है लिखे, माफी मांगो जरा। आदरणीय धूल जी चौधरी साहब, मेरे बहनों भाइयों, भांजे भांजियों, शिवराज आज शिवपुर आ गया। चुनाव तो एक बहाना था, हमें तो आपसे मिलने आना था। आज जब मैं आया तो गांव के बीच में से आया, और गांव के बीच में मैंने देखा माताएं, बहनें, बेटे, बेटियां, बुजुर्ग, उन्होंने फूलों की वर्षा करके स्वागत किया। भांजों ने भी, विशेषकर भांजियों ने भी फूलों की वर्षा की। मैं केवल इतना कहना, जो जाए वहां रहने दो भाई, पुलिस वाले बीच में डिस्टर्ब ना करें। जनता और शिवराज के बीच में पुलिस कहां से आ गई? मैं यही कहना चाहता हूं, बेटे बेटियों, तुमने फूलों की वर्षा करके स्वागत किया है, मामा तुम्हारे रास्ते में कांटे नहीं रहने देगा। भरसक कोशिश है ये, प्रयास यही है कि अपना मध्यप्रदेश बदला जाए। और मेरी जिंदगी के दोनों मिशन है, एक प्रदेश का विकास हो और दूसरा प्राणों से प्यारी जनता का कल्याण हो। अभी दिलीप जी भी बैठे हुए हैं, पड़ोसी क्षेत्र के विधायक। अब वो रोड जो दोनों क्षेत्रों को जोड़ने वाली थी, उसकी स्वीकृति हो गई, बनेगी। और एक रोड की बात नहीं है, ये मथुरा लाल डावर बैठे हैं, काम चालू होगा। एक दिन आ गए, ये शिवगढ़ आए थे, इतनी बड़ी लिस्ट ले आए, ये भी कर दो, ये भी कर दो, ये भी कर दो। मैंने भी कहा कि यार अच्छा क्षेत्र है, जनता का प्यार और आशीर्वाद मिला, भोला भाला विधायक है, सभी कर दो शिवराय। इसलिए एक एक काम गिनाने की जरूरत नहीं जो किए। मेरे बहनों और भाइयों, जहां तक विकास का सवाल है, कांग्रेस के 50 साल का राज देख लो आप, और भारतीय जनता पार्टी और शिवराज के 10 साल की सरकार आप देख लो, 10 गुने से ज्यादा काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं और आगे भी करेगी, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा मैं। गांव भी बदलना है, शहर भी बदलना है। अभी बातचीत हुई तो ये साल थोड़े सूखे का है, बरसात हुई तो इकट्ठी हो गई, बाद में एकदम रह गई, वाटर लेवल नीचे चला गया, कई हिस्सों में सूखे का संकट आ गया, फसलें भी कई जगह नष्ट हुई है। लेकिन मैं किसानों से पूरे प्रदेश में कहता हूं, चिंता काय के लिए करते हो? अरे साल हारे हैं, शिवराज जिंदगी नहीं हारने देगा, जिंदगी नहीं हारने देगा। मैं लगातार कोशिश कर रहा था, पिछले कई दिनों से आप देख रहे होंगे,
टीवी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, मैं कोई कसर थोड़ी रहने दूंगा। अब बात बिजली की आएगा, 4 महीने का नहीं मामा जी, 2 महीने का ही टेम्परेरी कनेक्शन करवाओ। मैं क्या 4 नहीं 2 महीने का ही करवाएंगे, चिंता मत करो, आदेश जारी कर दिए। फिर क्या ट्रांसफार्मर बदलते हैं तो 50% मांगते हैं मामा, 25% करवा दो। मैंने कहा भांजो 25% नहीं, 10% ही जमा करवा दो, हो जाएगा, बदल जाएगा। जब व्यवस्था में सुधार की जरूरत है करेंगे। अरे इलाका ऐसा है रतलाम ग्रामीण का, जब परिश्रमी किसान है, मेहनती किसान है, दिनों रात एक करते हैं, खून और पसीना बहाते हैं, उन्नत खेती करते हैं, अच्छी खेती करते हैं। गर्व है मुझे आप लोगों पे, जो खेती का यहाँ का पैटर्न है सिपुर के आसपास भी मैंने देखा। मैं सभी किसान बहनों और भाइयों को बधाई देना चाहता हूं इसके। लेकिन खेती के रास्ते में जो आने वाली बाधाएं वो दूर करेंगे। उसलिए हमने सोचा जहां जहां सिंचाई के संसाधन हो सकते हैं सिंचाई की व्यवस्था करेंगे। अब बिजली में भी ये टेम्परेरी का जो चक्कर है खत्म करने वाला हूं मैं। हमने फैसला किया है कि अब सब किसानों को 2018 तक स्थायी कनेक्शन दे दिए जाएंगे। उसके लिए अभियान चलाएंगे, रोज डोरी लटकाओ, टेम्परेरी दे दो, टेम्परेरी दे दो। और मार फिर इतनी डोरी हो जाए कि ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो जाए तो फिर ट्रांसफार्मर जल जाए। 5,000 करोड़ रुपए लगेंगे मुझे बताया अफसरों ने। मैं कोई चुनाव में घोटाला नहीं कर रहा हूं, मैं पहले फैसला कर चुका हूं भोपाल के कृषि मंथन में कि वो 5,000 करोड़ रुपया लगाऊंगा और सब किसानों को परमानेंट कनेक्शन मिल जाए 2018 तक। इसकी व्यवस्था कर दूंगा बहनों और भाइयों, ताकि चक्कर ही खत्म हो जाए। 0% ब्याज पे भी कर्जा दिया है, लेकिन अब 0 नहीं, अब आगे 0% ब्याज पे कर्जा नहीं देंगे। अब तो हमने किसान से कह दिया भैया 100 रुपया ले जाओ और साल भर बाद 90 वापिस कर जाओ, 10,000 ले जाओ, 9,000 वापिस कर जाओ, 1,00,000 ले जाओ, 90,000 दे जाओ। अब बताओ ऐसी सरकार सोची थी क्या कभी, ईमानदारी से बताना। अरे जोर से बोल के बताओ, सोची थी क्या? ये आपकी सरकार किसानों के लिए, गरीबों के लिए, आम इंसानों के लिए, माताओं बहनों के लिए, बेटे बेटियों के लिए। एक तरफ किसानों का कल्याण, दूसरी तरफ गरीबों को 1 रुपया किलो गेहूं, 1 रुपया किलो चावल, 1 रुपया किलो नमक, सस्ता राशन मिल जाए, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त। तो रतलाम से सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां पर उपचुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। रतलाम का जहां पर शिवपुर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रैली कर रहे हैं लोकसभा उपचुनाव के मद्देनजर। इसके कारण ये चुनाव आया, हम लोगों ने मिलकर फैसला किया कि निर्मला भूरिया भी पेटलावत से विधायक है, लेकिन भूरिया जी के सपनों को साकार करना है तो निर्मला को जवाबदारी देनी चाहिए। सबने मिलकर तय किया, सच्ची है, ईमानदार है, दिन रात काम करेगी, सादा जीवन, उच्च विचार। ये निर्मला बहन कोई कसर नहीं छोड़ेगी आपकी सेवा में। और मैं आपसे ये कहने आया हूं कि निर्मला कोई अकेली थोड़ी है, उनके साथ ये पूरी टीम जो बैठी वो तो है ही, लेकिन मध्यप्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इनके साथ खड़ा है। मैं आप सबसे प्रार्थना करने आया हूं कि निर्मला को अपना आशीर्वाद दें, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दें। और वो लोग जो पहले कई बार रह चुके, मैं किसी का नाम नहीं लेता, गाली देना मुझे आता नहीं है, उन्होंने क्या किया इतने वर्षों तक रहे, सांसद रहे, सरकारें भी पहले उनकी रही। उसलिए विकास तो निर्मला भूरिया भारतीय जनता पार्टी, जनता का कल्याण तो निर्मला भूरिया भारतीय जनता पार्टी। इसलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि कोई कसर मत छोड़िए, भरपूर आशीर्वाद दीजिए, कमल के फूल की बटन दबाइए, भारतीय जनता पार्टी को जिताइए, निर्मला भूरिया को सांसद बनाइए और विकास की जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान पर सौंप जाइए। बोलिए आप सब तैयार हैं? इधर बहने भी बताओ, सगा भैया हूं, सौतेला थोड़ी हूं, सब तैयार है? भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे, निर्मला को सांसद बनाएंगे। तो आइए मेरे साथ संकल्प लीजिए कि शिवराज अकेले तुम काम नहीं करोगे या केवल टीम काम नहीं करेगी, हम सब चुनाव में काम करेंगे, एक एक वोट डलेगा और डलवाएंगे, जो नहीं समझे उनको भी समझाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। ये संकल्प लेने के लिए
दोनों हाथ ऊपर उठा के दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोले। उठाइए दोनों हाथ, देखो मेरी बहनें भी सब उठा रही, बांधिए दोनों मुट्ठी और बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत, और एक बार और आना पड़ेगा शिवपुरी, आज मजा नहीं आया मुझे, आज तो सूखा सूखा जा रहा हूं, लेकिन अगली बार आऊंगा तो रोटी वोटी खा के जाऊंगा। आऊंगी नहीं बहनों, रोटी भी दो ही खाता हूं, ज्यादा थोड़ी खा पाता हूं, दुबला पतला हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम के आभार के लिए। और यहाँ पर वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।